नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रोपोसो ऐप में आप अपनी वीडियो बना करके एडिट कैसे कर सकते हो। जी गाइस, अगर आप भी अपने मोबाइल में रोपोसो ऐप को यूज करते हो और उसमें गाइस अगर आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप रोपोसो ऐप में अपनी वीडियो बना करके एडिट करके रोपोसो ऐप में अपलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए होते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रोपोसो ऐप में अपनी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर में जाकर के रोपोसो ऐप को अपडेट कर लेना है, और इसके बाद गाइस आपको रोपोसो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारी रोपोसो ऐप की वीडियो देखने को मिल जाएगी, और गाइस अगर आप रोपोसो ऐप में अपनी खुद की वीडियो बनाना चाहते हो तो सबसे पहले गाइस आपको इस कैमरे वाले आइकन पर क्लिक कर देना। जी फ्रेंड्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो ऊपर की ओर आपको फ्लिप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कैमरे को स्विच कर सकते हो। इसके अलावा गाइस ब्राइटनेस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी वीडियो की ब्राइटनेस को बढ़ा और कम कर सकते हो। इसके अलावा गाइस वीडियो में ब्यूटी इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ब्यूटी इफेक्ट सेट कर सकते हो, और गाइस स्पीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नीचे की ओर साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप अपनी वीडियो में साउंड ऐड कर सकते हो। गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे साउंड देखने को मिल जाते हैं। सिंपली गाइज आप जिस भी सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हो गाइज आपको उस सॉन्ग पर क्लिक कर देना, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप जिस भी सॉन्ग को ऐड करना चाहते हो फिर से आपको सॉन्ग पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद गाइज आपको यूज पर क्लिक कर देना, और गाइज आपका सॉन्ग आपकी वीडियो में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो सॉन्ग ऐड हो चुका है। इसके बाद गाइज अगर आप अपनी वीडियो में इफेक्ट यूज करना चाहते हो तो गाइज आपको सिंपली इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको बहुत सारे रोपोसो इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी इफेक्ट को अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो अगर आप फिल्टर यूज करना चाहते हो गाइज आपको फिल्टर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गाइज आपको बहुत सारे कमाल के फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप रोपोसो ऐप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके बाद गाइज अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली गाइज आपको रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर देना, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपकी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, और गाइज वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जी गाइज आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपकी वीडियो की प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और गाइज आपकी वीडियो नेक्स्ट पेज पर आ जाएगी, और यहाँ से गाइज आप अपनी वीडियो को एडिट करके रोपोसो ऐप में अपलोड कर पाओगे। गाइज अपनी वीडियो में इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली गाइज आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर गाइज आपको बहुत सारे न्यू इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपनी वीडियो में ऐड करके अपनी वीडियो को शानदार तरीके से एडिट कर सकते हो। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, आप जिस भी प्रकार का इफेक्ट यूज करना चाहते हो सिंपली आपको इफेक्ट पर टैप करके रखना है, और गाइज आपकी वीडियो में यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इफेक्ट यूज कर लिया है, इसके बाद सिंपली आपको डन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर गाइज अगर आप अपनी वीडियो में स्टिकर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्टिकर का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्टिकर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे जिनको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। गाइज आप देख सकते हो स्टिकर पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्टिकर पर क्लिक देना है, और यहां से आप अपनी वीडियो में अपने मनपसंद स्टिकर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। गाइज अगर आप अपनी वीडियो में म्यूजिक फिर से ऐड करना चाहते हो तो गाइज आपको यहाँ से भी म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं जिनको आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए सिंपली गाइज आपको इस एरो पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप अपनी वीडियो को रोपोसो ऐप में अपलोड कर सकते हो। गाइज आपको सिंपली यहाँ पर वीडियो का टाइटल ऐड कर लेना है, और इसके बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो को रोपोसो ऐप में पोस्ट कर सकते हो। गाइज आप देख सकते हो पोस्ट पर क्लिक करने के बाद वीडियो ऐप पर पोस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप रोपोसो ऐप में अपनी वीडियो बना करके एडिट करके उस वीडियो को रोपोसो ऐप में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो वीडियो यहाँ पर पोस्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप रोपोसो ऐप में अपनी वीडियो बना सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।